दिन रात देश की सुरक्षा में खड़े रहते हैं। देश में आई आपदा हो या फिर दुश्मन की नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने की बात हो, किसी भी कीमत पर इनके पैर नहीं डगमगाते। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, किसी भी कीमत पर देश के नागरिकों की सुरक्षा करना। आमतौर पर आप सेना के नाम पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ही जानते हैं, पर भारत के पास कुछ ऐसी स्पेशल फोर्सेस है जो सबकी नजर में आए बिना दुश्मनों के दांत खट्टे करने का हुनर रखती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी स्पेशल फोर्सेस के बारे में। नंबर एक पे आता है एनएसजी कमांडो। एनएसजी या ब्लैक कैट कमांडो देश में सबसे ज्यादा फेमस स्पेशल कमांडो फोर्स में से एक है। यह फोर्स अपने काम को करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती, फिर चाहे वह दुश्मन को ढूंढ कर निकालना हो या फिर देश में घुसे आतंकवादियों को मारना हो। 1984 में इस फोर्स का गठन किया गया था। यह फोर्स सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के मोटो पर काम करती है और 26/11 के मुंबई हमले में बिना किसी मुसीबत के सफलतापूर्वक आतंकियों से निपटने में इन कमांडो का बहुत बड़ा हाथ था। वहीं ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे बड़े मिशन को भी इस फोर्स ने अंजाम दिया है। एनएसजी कमांडो न सिर्फ भारत बल्कि विश्व की सबसे बेहतर फोर्स में शामिल है। इसके कमांडो हरदम ट्रेनिंग पर रहते हैं ताकि आपातकालीन स्थिति में या देश को बचाने के लिए तैयार रहें। सिर्फ चुनिंदा लोग ही इस फोर्स का हिस्सा बन पाते हैं। इसमें शामिल होने के लिए कड़ी परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। एनएसजी कमांडो के सिलेक्शन प्रक्रिया में काफी सावधानी बरता जाता है, जिसके चलते इसमें शामिल होने वाले युवाओं का ड्रॉप आउट रेट 70-80% होता है। एनएसजी के 7500 कमांडो स्पेशल एक्शन ग्रुप SAG और स्पेशल रेंजर्स ग्रुप SRG में बांट दिए जाते हैं। वहीं नंबर दो पे आता है गरुड़ फोर्स। आसमानी रक्षक गरुड़ फोर्स का गठन 2004 में किया गया था। गरुड़ फोर्स हवाई युद्ध में माहिर मानी जाती है। अपने हुनर से इनको पता होता है कि कैसे दुश्मन की सीमाओं में घुसकर अपने साथियों को सफलतापूर्वक बाहर लाना है। गरुड़ फोर्स की ट्रेनिंग भारत की कुछ सबसे सफल फोर्स के द्वारा हुई है। गरुड़ फोर्स को दुनिया के सामने 2004 में एयर फोर्स डे के दिन लाया गया था। मौजूदा समय में 1000 सैनिक गरुड़ फोर्स में काम कर रहे हैं। बाकी फोर्स से अलग गरुड़ फोर्स सिर्फ इसलिए एयर फोर्स के सैनिकों को ही गरुड़ फोर्स बनने का मौका देती है। इसकी ट्रेनिंग सबसे लंबी होती है, जो कि 72 हफ्तों की होती है, जबकि पूरी तरह से गरुड़ फोर्स में शामिल होने में लगभग 3 साल का समय लग जाता है। इनका मोटो है प्रहार से सुरक्षा। यह हर तरह के प्रहार से देश की सुरक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। गरुड़ कमांडो को 72 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि बेसिक ट्रेनिंग होती है। हालांकि पूरी ट्रेनिंग 3 साल की होती है। प्राथमिक तौर पर इन्हें गाजियाबाद के हिडन एयर बेस पर ट्रेनिंग दी जाती है। यहां से इन्हें नौसेना स्कूल भेजा जाता है और फिर जंगल वॉरफेयर स्कूल भेजा जाता है।